राजधानी के माणक चौक थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाली शातिर ईरानी गैंग के 3 सदस्यों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ईरानी गैंग के तीनों शातिर बदमाश 25,000 रुपए के इनामी हैं, जिन्होंने बीते 5 महीने में जौहरी बाजार में 4 वारदातों को अंजाम दिया है। गिरफ्त में आए बदमाश काफी शातिर हैं, जो मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं और कई राज्यों में इसी तरह से ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ठगी करने वाले गैंग असली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ऐसे में गैंग तक पहुंचने के लिए पुलिस ने दिन और रात एक कर दिया। जौहरी बाजार में लगे 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस ने गैंग के शेख मुख्तार उमर उर्फ मुख्तार हसन, मोहम्मद अली उर्फ साबिर हसन, जुल्फिकार उर्फ जाबेद और मोहम्मद बकर उर्फ शौकत उर्फ बिन्नी को चिन्हित किया। इनकी तलाश में पुलिस टीम भोपाल गई, लेकिन वहां पर आरोपी नहीं मिले, जिस पर सभी बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। बदमाशों ने जयपुर में पहली वारदात मार्च महीने में की और पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। इस बीच 16 मई को फिर से गैंग ने जयपुर में दूसरी वारदात को अंजाम दे डाला। इस बार बदमाशों ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर पार्सल कंपनी में काम करने वाले द्वारका प्रसाद नामक व्यक्ति को निशाना बनाया, उसे चेक करने के बहाने रोका। इसके बाद एक कीमती सामान से भरा हुआ उसका पैकेट लेकर बदमाश फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिस पर आरोपियों के आगरा रोड की तरफ जाना पता चला। वहीं पुलिस ने जब जांच शुरू की तो आरोपियों के लखनऊ में होने की सूचना मिली, जिस पर लखनऊ पुलिस के सहयोग से पुलिस ने लुलू मॉल के पास घेराबंदी की और गिरोह के 3 बदमाशों को दबोच लिया। साथ ही वारदात में इस्तेमाल यूपी नंबर की एक टैक्सी कार को भी सीज कर ड्राइवर जितेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया।